वरुण फर्स्ट टाइम आए हो क्या? हाँ मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। वरुण का फर्स्ट टाइम है, दो चार शॉट्स बना लेता। मुझे याद नहीं आ रहा कब आया पिछली बार। गर्लफ्रेंड के साथ आया था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो की शूटिंग के लिए। हम लोग की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी हम जाएंगे क्योंकि लास्ट संडे को हम कहीं गांव गए थे, तो कहीं ना कहीं संडे को हम बिज़ी हो जाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो हमने कहा आज थोड़ा जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें और शॉर्ट वीडियो बनाएं। और हमारे साथ शोभित हैं। शोभित को टाइम मिल गया, मैंने कहा भाई मिल गया तो अच्छी बात है। और आगे इधर विहान बैठ गए, पूनम बैठ गई हैं और आरती भी बैठ गई उधर साइड में। उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो तबीयत सभी की कुछ ख़राब है। किसी एक को सर्दी जुकाम हुआ था, फिर उससे सबको हो गया, तो चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या करें, काम तो काम है, करना है। लेकिन लौंडा स्मार्ट लग रहा है। देखो इनकी फाइट हो गई दोनों की। भैया लड़ो मत, भैया लड़ो मत। वरुण फटका मारते हुए मत, नहीं रो नहीं रो नहीं रो। तो हम लोग रेडी हैं, हम बहुत लोग हो गए यहाँ पर। कम से कम देख कितने हो गए शोभित, आज हाउसफुल हो गया है। आज हाउसफुल हो गया तो हमने इसलिए बड़ी कार निकाली। फिलहाल तो कार फुल हो गया। गिनो, 1 2 3 4, 4 आगे हैं और 4 पीछे है ना, 5 है। आज हाउसफुल नहीं, कार फुल है। पीछे कितने लोग हैं? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड फन अनलिमिटेड। चलो अब चलते हैं पार्क के लिए। अच्छा हाँ ठीक है, आओ जल्दी। वो बंद हो गया भैया, आ जाओ। शोभित तुम्हारा हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है। आ, सही में यार, सच्ची सच्ची। चलो थैंक यू। कल तो बोर्ड सपा को दोगे? बिल्कुल सपा सपा आएगी, सपा सपा। बोर्ड कभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, समझे? हमें पार्क में कुछ कुछ नया मिला। यहाँ पे जिम का सेटअप लग गया, पहले यहाँ पर बिल्कुल नहीं था कुछ भी। क्यों, अब तुम जिम करोगे ना? हाँ। वाली जिम छोड़ दो, यही वाली करो। अब करके दिखाता हूँ। ओ यार ये तो अच्छा है यार, समझ में नहीं आ रहा है ये तुम्हें कर रहा है या तुम इसको कर रहे हो ना। यहाँ पे खड़े होके भी चला सकते। ये चला के दिखाओ, चला के दिखाओ, हम भी आ सकते हैं। अबे मैं तो गिर जाऊंगा, मैं नहीं आ रहा। पहले शूटिंग कर ले यार। वाह, अरे वाह, क्या तुम क्या बना रही हो? तुमने लिपस्टिक यहाँ भी लगाई है, दांतों को भी लगाई है। ये ब्लॉग में नहीं डालना। कुछ भी इनका शूट करो, ये ब्लॉग में मत डालना, ये ब्लॉग में मत डालना। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें ब्लॉग में डालने से रह जाती हैं। तो गाइस पहले हम करेंगे बिहान बाबा का फोटोशूट, तो हम फोटोशूट कर लेते हैं नहीं तो लाइट चली जाएगी। फिर उसके बाद फटाफट हम अपना शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, जो भी हम बना पाए, 1 2 3 4 5 जो भी बना पाए। फ्लैश ऑफ करो। विहान बाबा की फोटोग्राफी ऑटो पे खींचो। हाँ ऑटो पे। कोई ना कोई क्लिक मिल ही जाएगा। खड़े सीधे विहान, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है इनमें जूतों में। कुछ कुछ दे दो तब खड़ा रहेगा। जूतों को हटा देंगे। ये क्या हो गया? रेडी, 1 2 3। बहुत हल्के चल रहे, इतना नहीं है। तो गाइस अब हमने शूट कर लिया है, काफी शॉर्ट्स वीडियो हमने शूट कर लिया। अब हम थोड़ा चाय वगैरह पी ले और कुछ खा पी ले। अब हम कुछ फोटो शूट कर दें वरुण के और फिर शाम हो ही जाएगी, फिर निकलेंगे हम घर के लिए। क्यों, मेरे भी कर देना 2-4 मिनट। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो मॉडल बना, सुपर मॉडल, सुपर मॉडल बन बनाओ। फिर मैं उड़ने लगूंगा। हाँ ऊपर मैं उड़ने लगा सुपरमैन की तरह। विहानू
बयानू ये लोग कैसे बैठे हैं? मजे ले रहा है। बयानू को ये अच्छा लग रहा है और मेहुल हमारा ये कर रहा है। देखो मेहुल क्या कर रहा है तुम, ये देखो कैसे चल रहा है दोनों। हाँ तब क्या। तो फाइनली हमारे शॉर्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। सोवित के भी कुछ शॉर्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज वाइट मास्टर साहब बने हुए हैं, बिल्कुल चश्मा वाइट वाला लगा के। और आज मेरा बिल्कुल आने का मन नहीं था, जबरदस्ती मुझे उठा के लाया गया है। आज मैं फुल टसन में हूँ। आज ये फुल टसन में है, ये देखो आज मैं फुल टसन में हूँ। मास्टर साहब आज फुल टसन में है भैया। और हम ऐसे लूज पूज हैं, सर्दी जुकाम इतना हो रहा है। दवाई खा कर आई हूँ तो थोड़ा आराम मिला है। तो आज पार्क में आए थे, बिहान के भी कुछ फ़ोटो शूट किया था और मेहुल मुदुल भी खूब मस्ती कर रहे हैं सब। काफ़ी टाइम बाद आए हैं, पिछले संडे को ये गांव चले गए थे तब नहीं ब्लॉग मतलब शॉर्ट्स हमारे क्रिएट हो पाए थे। और उससे संडे हाँ हम गए थे डैम पे, वहाँ क्रिएट किए थे कुछ। तो यही है बस। वरुण फर्स्ट टाइम आए हो क्या? हाँ मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। वरुण का फर्स्ट टाइम है, दो चार शॉर्ट्स बना लेता। बरेली है, मुझे याद नहीं आ रहा कब आया पिछली बार। अच्छा? गर्लफ्रेंड के साथ आया था। तुम किसके साथ आए थे? मैं तो तुम्हारे साथ। मुझे क्या पता फर्स्ट टाइम मेरे साथ आए, किसी और के साथ भी आए हो, क्योंकि तुम्हारी इनविटेशन की बस तो यही से जाती थी शायद। यहाँ से जाती थी, मैं तुम्हारे साथ आया था। मेरे साथ नहीं आया। मैंने तुमसे क्या बोला था? क्या बोला था? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं किसी लड़के के साथ नहीं गया था कहीं भी। मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। हाँ किसी ने पटाया ही नहीं तुम्हें? हाँ हमें किसी ने पटाया ही नहीं। पता है भाभी मुझे तो पता ही नहीं फूलबाग भी नाम की कुछ चीज है बरेली के अंदर। अच्छा मतलब हमारे साथ इतने भोले भोले लड़के घूम रहे हैं। घाट घाट का पानी पिया इस लड़के ने। मुझे कसम से नहीं पता था यहाँ पे फूलबाग ये है एक नाम की कोई चीज भी है। स्टाफ के साथ में आया था पहली बार। अच्छा। मैं साथ में आया हूँ। पता नहीं, अच्छा हो सकता है तुम लोग इतने शरीफ हो, तुम लोगों को फूलबाग नहीं पता था। नहीं, मतलब हमारी स्मार्टनेस को देख के लोग पता नहीं क्या समझते। हम किसी न किसी बाग में घूमते रहते हैं। और क्या, वाह भाई वाह। तुम बागों वाले जैसे बाग में जो पंछी नहीं होते उस टाइप के, तुम हम पंछी नहीं है ना, बबरे डाल डाल पे बैठे हुए। अच्छा नहीं, हम तुम नहीं हो। कुछ ज्यादा ही हम लोग के बारे में सोच लिया। हमारे बारे में इतना कैसे कोई सोच सकता है? हम कुछ ही लोग पाए जाते हैं ऐसे सज्जन। अच्छा है जो हमारे संगत में है वो अच्छे बच्चे हैं। मुझसे शरीफ बंदा कोई मिलेगा नहीं। हाँ वो तो है, ये अच्छा बच्चा है। तुम देख रही हो ब्लॉग को, देखो अपने पति की सच्चाई सुन लो। आज से पहले तुम्हारे पति ने ये बाघ नहीं देखा था, क्या तुम्हें विश्वास है? अगर ना है ना हो तो कमेंट करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं इसको इसको डिलीट किया जाए, ये लाइन डिलीट की जाए। जो कहते हो ना डिलीट की, हाँ इनका डायलॉग ये डिलीट कर देना, वो डिलीट नहीं होगा। आप कैची नहीं चलेगी उस पे। कैची चलानी होती है। कैची नहीं चलेगी उस पे। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बहुत सी बातों को बुरा मान जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि ये ब्लॉग है, ब्लॉग में फन और मस्ती दिखाई जा सकती है, सीरियस होकर बात नहीं कर सकते। नहीं करी जा सकती। लोग मुझे जज करने लगते ना ब्लॉग में, अरे इनने ऐसे बात की, इन्हें वैसे बात की। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं ये हमारा ब्लॉग है, इसमें फन दिखाया जाता है। जैसे हम टीवी पे देखते हैं ना सीरियल्स वगैरह बनाए जाते हैं, कोई रियल तो होता नहीं है। तो यही है, हाँ कुछ हमारी रियल लाइफ से ये होता है, लेकिन कुछ हम मतलब मस्ती करते हैं वो हमारा फन होता है, ताकि लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहें। और ज्यादा मतलब ज्ञान वाली बातें तो कोई सुनना भी नहीं चाहता। सही बात है, सही बात है। तो इसलिए होता है ना लाइव का, लाइव हम सारा जो ब्लॉग होते हैं लाइव करते हैं, कोई हमारे पास स्क्रिप्ट होती नहीं है। हाँ। कि हम जब हमारे मन में जो आता है, हमारे सडनली दिमाग में जो आता है, वही हम परोस देते हैं आपके सामने। अब आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। और ज्यादा से ज्यादा हम अब सोचते हैं कि कॉमेडी हो हमारे ब्लॉग्स में, जोक्स हो या फन वाली बातें हो, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बुरा मत माना करो कि हाँ आरती ऐसे बोल रही है, आरती वैसे बोल रही है। कोई नहीं भाभी, यू आर रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। कोई नहीं, इतना दिल पे मत लिया करो। नहीं मैं दिल पे नहीं लेती, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है, आपके आपके सारे ब्लॉग, आपके बोलने का तरीका फर्स्ट ब्लॉग से अब तक काफी चेंज हो चुका है। हम लोग निकलते हैं अब घर के लिए, हमारा शूट वगैरह हो गए और बिहान के भी बहुत हमने फोटो शूट किए उसके, मतलब अब ये बच्चे के हैं, कई फोटोज निकालने पड़े, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं, क्योंकि वो तो रुक ही नहीं रहा है एक जगह पर, उसके रैंडमली हम क्लिक करे जा रहे हैं, उनमें कुछ अच्छे निकलेंगे तो हम उसे निकाल लेंगे। और शोवेद अब नेक्स्ट संडे को यार टाइम निकाल लेना, पहले आएंगे थोड़ा थोड़ा पहले आएंगे आरती। हाँ ठीक है, मैं सबसे कम रील्स बन पाई हूँ। हाँ क्योंकि हम इस समय हिमेश रेशमिया बने हुए हैं। हाँ। नाक से दो बार हम बोल रहे हैं, एक बार मुंह से एक बार नाक से। आज हम बोले मजरूब है
तुम तो रोज रहा करो ब्लॉग में। हाँ अरे तुम कितना खाओगे? बस बहुत हो गया। हाँ ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा है। आ जल्दी आ, शोभित बैठो। शोभित रख दिया बैग, स्पीकर रख लिया था। शोभित, शोभित स्पीकर रख लिया था। हाँ स्पीकर रख लिया मैंने। ये पक्का? ये खुला रहता है क्या? नहीं नहीं, ये जब डोर ओपन है तब ये ओपन है, वैसे नहीं है। ये पार्टी शोभित की तरफ से है। अगर फोन देख लिया तो आ जाओ बाबू जी, आओ। तो रेस्टोरेंट को घर बना दिया बाहर आ गए। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया, बिल किसने चुकाया? बिल बिल वरुण ने चुकाया। वरुण ने किसी को नहीं देने दिया, बोले मैं दूंगा मैं दूंगा। बड़े दिल वाला। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए कि हम लोग की तबीयत खराब है, लेकिन आप अपना जरूर ख्याल रखिए। चलो बाय बाय। हाँ बोलो। ख्याल भी रखिए और अपना ध्यान, अपना ख्याल भी रखिए और ध्यान। हाँ कर ले, ये ऐसे बाय करता है, ये ऐसे बाय।